कि मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रोड पर 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारने की योजना है। इसमें दो पहिया वाहन के साथ ही तीन पहिया वाहन को शामिल किया जाएगा। हालांकि ओला अभी फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर फोकस नहीं कर रही है। कंपनी का मानना है भारत में बड़े स्तर पर फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूदा वक्त के लिए मुफीद नहीं है। फोर व्हीलर को भारत मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए अभी कुछ और वक्त लगेगा। इसके मुकाबले टू और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारना ज्यादा आसान है। नागपुर में कंपनी ने चलाया पायलट प्रोजेक्ट। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के को फाउंडर आनंद शाह ने कहा कि हमने ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए नागपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर साल 2017 में एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया था, जहां से मिले अनुभव के मुताबिक फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में मौजूदा वक्त में उतारना मुनाफे का सौदा नहीं होगा। कंपनी जिन स्थानों पर इलेक्ट्रिक टू और थ्री व्हीलर उतारेगी उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। ओला की ओर से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।